इनकमिंग कॉल मैम नॉट शोइंग। दोस्तों आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों के साथ भी एक प्रॉब्लम आ रही है कि भाई जो भी बंदा आपको फोन लगा रहा है उसका फोन तो आ रहा है लेकिन फोन के साथ साथ जो स्क्रीन पर उसका नाम लिखा आना चाहिए वो नाम लिखा नहीं आ रहा है, सिर्फ नंबर दिखाई दे रहा है, उस कंडीशन में आप लोग भी काफी परेशान हो रहे होंगे और मैं भी काफी परेशान हो गया था। क्योंकि दोस्तों हो क्या रहा था, चाहे मेरे घर के लोग मुझे फोन लगा रहे हो या मेरे फ्रेंड लोग मेरे को फोन लगा रहे हो, सभी के नंबर हालांकि मेरे मोबाइल में ऑलरेडी सेव है लेकिन वो लोग फोन लगाते हैं तो मेरी स्क्रीन पे उनका नाम शो नहीं होता, सिर्फ नंबर लिखा आता है। मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ किसका फोन आ रहा किसका नहीं आ रहा। दोस्तों ये प्रॉब्लम मेरे को 4-5 दिन से आ रही थी, मैं काफी परेशान रहा। तो भैया इसका जैसे मैंने सही करा, मैंने इसका सोल्यूशन निकाला, वही तरीका मैं आपको बताऊंगा, वो मेरा वादा है। अगर आप वीडियो पूरा देखते तो आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है नंबर नोट शोइंग की, नाम नोट शोइंग की, नेम नोट शोइंग की, तो आपकी इस वीडियो देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम हट जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर यूट्यूब चैनल। चलिए भैया जानते हैं किस तरीके से अपन इनकमिंग कॉल पे नेम नॉट शोइंग की प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं, मतलब इनकमिंग कॉल के साथ जो अपने पास नाम लिखा नहीं आ रहा है स्क्रीन पे वो कैसे अपन सही करेंगे। दोस्तों आज की ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है कि जो भी बंदा आपको फ़ोन लगा रहा है उसका फ़ोन तो आ रहा है लेकिन फ़ोन आने के साथ उसका नाम दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ नंबर दिखाई दे रहा है। आप भले ही कोई भी मोबाइल इस्तेमाल करते हो, कोई भी सिम इस्तेमाल करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ आप किसी भी मोबाइल से भी कर सकते हैं। मेरे सामने ये प्रॉब्लम 4-5 दिन से आ रही थी लेकिन उसको मैंने पहले सॉल्यूशन करा और फिर जब हो गया सही से फिर मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपको करना क्या, ध्यान दीजिए, आपके पास कोई भी मोबाइल हो, जो भी मोबाइल आप इस्तेमाल करते हैं या कोई भी कंपनी का हो, सबसे पहले आपके मोबाइल में आप देखिए ध्यान दीजिए, आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा क्या रखना है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा फ़ोन लगाने वाला सिस्टम ये नीला वाला आप देख पा रहे हैं, ये नीला आइकन बना हुआ है। अब आपके मोबाइल में जैसा भी आइकन बना हो, चाहे वो नीला हो, हरा हो, जिस भी कलर का हो, गौर से देख लीजिए किस कलर का आइकन है और उस पर क्या बना हुआ है। यहाँ पे एक फ़ोन का लोगो बना हुआ है और नीले कलर का आइकन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, आपका जो भी मोबाइल हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कलर और आइकन का लोगो किस तरीके से। आपको अब करना क्या, ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको आना होगा कहाँ पे, पहले आप देख लीजिएगा कि आपका जो कॉल का फ्रंट बटन है उस पर क्या लिखा आता है। ध्यान दीजिए, जैसे हम दबाते हैं यहाँ लिखा आता है फ़ोन, देख सकते हैं फ़ोन लिखा हुआ है। हो सकता है आपके मैं यहाँ पे कॉल लिखा रहा हो, ऊपर लिखा रहा हो कॉल, तो आप ध्यान दीजिए करना क्या है। आपको सबसे पहले आपकी जो मोबाइल की सेटिंग है देख सकते हैं, ये मेरे मोबाइल की सेटिंग यहाँ देखने को मिलती है आपको। आपके मोबाइल में आपको अपने मोबाइल की सेटिंग होती है उसमें क्लिक करना होगा। चलिए मैं सेटिंग में जाता हूँ, आपको भी सेटिंग में जाना है। हालांकि जो मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ वन प्लस कंपनी का 1+6 मोबाइल है, ठीक है। दोस्तों आप कोई भी मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, MI, Vivo, जो भी इस्तेमाल करो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सेटिंग में आना है, सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ देखना होगी, चलिए बताता हूँ। आपको देखना है ऐप एंड नोटिफिकेशन, ध्यान दीजिएगा ऐप एंड नोटिफिकेशन। हो सकता है आपके मोबाइल में ये एक अलग नाम से ऑप्शन देखने को मिलता हो, यहाँ पर इसका मतलब ये कि जहाँ पर जितने भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं वो सभी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिस पर अपन ऐप इंस्टॉल भी लिखा हो सकता है या ऐप एंड नोटिफिकेशन भी लिखा हो सकता है। तो आपके मोबाइल में क्या लिखा आप देख लीजिएगा, आपको आना होगा जहाँ अपन अपने जो इतने इस्तेमाल करते हैं जो अपने इंस्टॉल होते हैं जहाँ दिखाई देते हैं, तो आपको आना है ऐप एंड नोटिफिकेशन में। ध्यान दीजिए कुछ मोबाइल में क्या होता है, जब अपन ऐप इंस्टॉल में आते हैं या ऐप एंड नोटिफिकेशन में आते हैं तो यहाँ अपन को पूरी लाइन से एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं। कुछ मोबाइल में क्या होता है, यहाँ पर लिखा आता है सी ऑल एप्लीकेशन, देख सकते हैं आप, तो सी ऑल पर क्लिक करते हैं तो जितने अपने मोबाइल में एप्लीकेशन जो इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई भी, क्या गूगल क्रोम कर रहे हो, फेसबुक कर रहे हो, व्हाट्सअप कर रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हो वो सभी एप्लीकेशन आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। अब यहाँ आपको दोस्तों ध्यान देना है, यहाँ आपको फ़ोन वाला जो आइकॉन था अपना वो देखना होगा। चलिए अपन देखते हैं, चलिए नीचे आते हैं अपन, देखिए ये और नीचे आएंगे अपन, और नीचे आएंगे कौन से, देखिए दोस्तों ये देखिए लिखा फोन, देख सकते हैं आप लिखा हुआ फोन। अब जैसा आपके मोबाइल में अगर फोन लिखा था तो आपको फोन वाला देखना है, अगर कॉल लिखा था तो कॉल वाला देखना है, देखिए दोस्तों, देखिए ये आइकॉन जहाँ बना हुआ है और ये आइकॉन मेरी स्क्रीन पे जहाँ बना हुआ है, देख सकते हैं आप ये वाला। चलिए फिर जाते हैं फिर से अपन, देखिए ये आइकॉन है, तो आपको ये फोन कॉल वाला जो बटन है ये वाला, इस पर क्लिक करना होगा इस एप्लीकेशन पर। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है स्टोरेज एंड केसेस का, ये वाला देख सकते हैं आप ये वाला, ठीक है दोस्तों। आपको इस पर क्लिक करना होगा, जब क्लिक करेंगे यहाँ पे दो आपके सामने ऑप्शन आते हैं, एक आता है क्लियर स्टोरेज और एक आता है क्लियर केस, तो आपको दोनों पे एक बार क्लिक कर देना, एक बार इस पर क्लिक कर दीजिएगा और कुछ कर दीजिएगा, बस इतना करने के बाद कुछ भी नहीं करना है। चाहे तो पहले इस पर क्लिक करिएगा फिर इस पर क्लिक करिएगा, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो फिर इस पर क्लिक नहीं करना पड़ेगा, इतना करने के बाद कुछ नहीं करना, बैक आ जाना है। अब बैक आएंगे तो होता क्या है उससे, देखिए बताना चाहूँगा आपके लिए, बैक आ जाना। अब देखिए आप फोन स्क्रीन पर देखेंगे आप
तो ऐसा कुछ कुछ नहीं आएगा, जीरो जीरो हो जाएगा पूरे तरीके दोस्तों ये यहाँ पे। तो अब जो आपके पास फ़ोन आएंगे ना, इतना करने के बाद आपके सभी जो नंबर हैं वो बाकायदा नाम के साथ लिखे आएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इतने के बाद आप कर लीजिए कोई इस्तेमाल करते हो, ये ट्रिक आपके मोबाइल जरूर काम करेगी दोस्तों। और जिन लोगों का इस वीडियो देखने के बाद, इस ट्रिक का यूज़ करने के बाद उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इतना करिए दोस्तों, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है इनकमिंग कॉल में नाम नोट शोइंग की या नंबर नोट शोइंग की, वो सभी हट जाएगी दोस्तों। ये बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप सीख गए होंगे किस तरीके से आप लोग इनकमिंग कॉल नेम नॉट शोइंग की प्रॉब्लम को आप सही कर सकते हैं। मतलब कि आपके जो भी फोन आएंगे तो उनका नाम भी लिखा आएगा। ये वीडियो आपने पूरा देखा है तो बड़ी आसानी से आप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे, मतलब कि फिक्स कर लेंगे, इसका सोल्यूशन आपको मिल गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो दोस्तों, मैं आप साथियों से निवेदन करूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो भी भाई हमारे चैनल पर नए, प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी कई सारी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर आप सबने इस वीडियो में। जय माता दी।